मार्केट में एक अलादीन का चिराग आ गया है, बस डिफरेंस ये है कि ये अलादीन का नहीं, ये आपका चिराग है। इसका नाम है चैट जीपीटी। आप कोई भी इसे क्वेश्चन करो और ये उसका एग्जैक्ट आंसर देगा, आपके लिए बहुत सारे सर्चेस करेगा, बहुत सारे सोर्सेज से ढूंढेगा और आपको एग्जैक्ट आंसर खुद आपके सामने पेश कर देगा। अच्छा, जब से ये चैट जीपीटी आया ना तो मार्केट में एक हवा बन गई है कि शायद गूगल का एंड हो जाएगा। तो क्या ये सही है, इस बात में कितना दम है, या सिर्फ एक हवा है, सिर्फ हवा उड़ रही है, इस वीडियो में हम इस पे भी बात करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे। जो ये चैट जीपीटी है ना, ये एक चैट बॉट की तरह है। जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हैं तो व्हाट्सएप एक तरीके से हम रोबोट से बात कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में इसमें मशीन लर्निंग चलती रहती है, तो हमारी जो क्वेरीज वगैरह होती हैं ये धीरे धीरे उनसे सीखता रहता है और अपने आप को इम्प्रूव करता जाता है। ये कंपनी एक ओपन एआई करके है जिसने इसको बनाया है और 30 नवंबर 2022 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। अब ये सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है कि विद इन फाइव डेज इन्होंने 10 लाख यूजर्स ग्रैब कर लिए थे। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर भी हो गया, इनको भी बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा था अपने शुरू के 10 लाख यूजर्स को इकट्ठा करने में, लेकिन इन्होंने विद इन 5 डेज ये माइलस्टोन अचीव कर लिया। करंटली इसका बीटा वर्जन मार्केट में अवेलेबल है जो कि बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है, तो मैं और आप भी यूज कर सकते हैं इसको। इसका एक बार साइनअप प्रोसेस देखते हैं और उसको यूज करके देखते हैं। इसके लिए हम लैपटॉप स्क्रीन पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए रेगुलरली लेता हूं। ये आ गए हम ओपन एआई की वेबसाइट पे। यहाँ पे एक बटन है ट्राई जीपीटी करके, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप चैट जीपीटी पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक लॉगिन का, एक साइनअप का। मैं एक बार आपको साइनअप करके दिखा देता हूँ। इस पे हमने साइनअप पे क्लिक करा, ये मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी डली हुई है क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइनअप किया हुआ है, लेकिन मैं आपको नई ईमेल आईडी से अपनी एक बार साइनअप करके दिखा देता हूँ। ये मैंने अपनी ईमेल डाली, आई एम नॉट अ रोबोट। मैंने अपने लिए एक पासवर्ड फाइनलाइज करा जो कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, इसने एक वेरिफिकेशन ईमेल डाला है हमारे जीमेल पे, तो एक बार जीमेल पे चलते हैं। ये हमारा वेरिफिकेशन ईमेल आ गया, हमने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर दिया। यहाँ से यहाँ पे हमारा नाम पूछ रहा है तो वो मैं डाल देता हूँ। कंटिन्यू करा, एक ये मोबाइल नंबर मांगेगा, ये हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा और ये हमारा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया। ये हमारा चैट जीपीटी का इंटरफेस खुल गया जो मेन डैशबोर्ड है जहाँ पे हमारी सारी फंक्शनैलिटी है। इसमें थोड़ा सा कैपेबिलिटीज इसकी देख लेते हैं जो इन्होंने मेंशन करी हुई है। मेन कैपेबिलिटी ये है कि जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई बात हुई उसके बाद हमने सेकंड बात करी, फॉलोअप बात करी, तो पिछली कॉन्वर्सेशन को मद्देनजर रखते हुए, जैसे एक ह्यूमन होता है उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपको जवाब देगा। ये सेकंड ऑप्शन में भी इन्होंने बताया कि फॉलोअप भी आप कर सकते हो कि यार पिछली चीज़ मैंने गलत बताई थी, अच्छा इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो आप पिछली कॉन्वर्सेशन के कॉन्टिन्यूएशन में बात कर सकते हो जो कि गूगल पे पॉसिबल कभी नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि कुछ इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, अब ये इनअप्रोप्रिएट क्या है, क्या चीज़ इन्होंने डिफाइन करा है वो नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें इलीगल हों या कुछ चीज़ें जो गलत इस्तेमाल हो सकती हों, उस तरह की रिक्वेस्ट को ये डिक्लाइन कर देता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो इन्होंने बताई हैं। एक तो ये कभी कभी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, वो ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये मल्टीपल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन उठाता है। अब क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर सोर्स पे ही गलत हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी गलत होगी, तो वो वेरी मच पॉसिबल है। ये कभी कभी हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस या बायस्ड कंटेंट भी दे सकता है, अगेन क्योंकि ये जिस सोर्स से उठाता है हो सकता है कि वहाँ पे बायस्ड कंटेंट हो, तो वहाँ से वो उठा सकता है। और इसके पास 2021 के बाद की नॉलेज कम है, तो जो भी आपको रिजल्ट्स देगा ये उससे पहले की नॉलेज को कंसिडर करते हुए, उससे पहले के डेटा को कंसिडर करके ही रिजल्ट देगा। अच्छा, इसके साथ थोड़ा खेल के देखते हैं। एक क्वेरी डाल रहा हूँ मैं, टाइम जिससे आपका थोड़ा बच जाए, तो मैंने क्वेरीज पहले ही रखी हुई हैं। मैंने क्वेरी डाली कि यार एक ब्लॉग पोस्ट लिख के दो 3 वेज टू मेक पैसिव इनकम और देखते हैं क्या चीज देता है। और ये आपका रिस्पांस तैयार हो गया। इसने पूरा का पूरा हमें ब्लॉग लिख के दे दिया, प्रॉपर 3 स्टेप्स, प्रॉपर इंट्रो दिया, फिर उसके बाद कंक्लूजन दिया। तो जैसे एक बंदा लिखता है ब्लॉग, वैसे इसने ब्लॉग लिख के दे दिया विद इन टू मिनट्स ऑफ टाइम। और मेन पॉइंट क्या है कि जो भी कंटेंट है, जब ये कंटेंट इसने लिखा है तो इसने बैकग्राउंड में बहुत सारे मल्टीपल सर्चेस करे हैं, तो इसने बहुत सारे सोर्सेज से कंटेंट उठाया है और ये कंटेंट जो है ये प्लैजरिज्म फ्री है, यानी यूनिक कंटेंट है। आप कहीं डालोगे भी ना तो कोई इसमें क्या नाम है आपको इशू नहीं आएगा। अच्छा, इसके साथ एक दो क्वेरीज और डाल के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
हमें एक स्टोरी लिखवानी है और उस स्टोरी में हमें एक क्रोकोडाइल चाहिए, एक स्नेक चाहिए और एम्बियंस चाहिए फॉरेस्ट का। देखते हैं ये क्या चीज देता है। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम सर्च दें तो सर्च हमें जितना स्पेसिफिक दे पाएंगे, जितना हम डिटेल्स दे पाएंगे, उतनी अच्छा ये हमें रिस्पॉन्ड कर पाएगा। थोड़ा सा सोच रहा है, स्टोरी लिखना कहीं ना कहीं एक बहुत क्रिएटिव काम है, तो आप समझो कोई चीज़ क्रिएटिविटी की चल रही है तो थोड़ा टाइम ले रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आप समझो ये खुद कहानी लिख के देगा और वो चीज़ें इंक्लूड करेगा, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, एक स्नेक हो गया, फॉरेस्ट का एम्बियंस हो गया, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके देगा। जैसे बंदा एक कोई स्टोरी लिखता है तो प्रॉपर इंट्रोड्यूस करता है, देखो उसने लिखना शुरू कर दिया, वंस अपॉन अ टाइम डीप इन द हार्ट ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट लिव्ड अ क्रोकोडाइल नेम्ड क्रॉक। इस तरह जैसे कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसी भी स्टोरी को। उसके बाद फिर स्टोरी में सेकंड पैराग्राफ में वन डे वाइल आउट फॉर अ स्विमिंग क्रॉक मेट अ स्नेक नेम स्लिथर, तो इस तरह स्नेक को इंट्रोड्यूस करा गया, स्टोरी को आगे चलाया जा रहा है। और ये सब यूनिक है, सारा कॉन्टेंट यूनिक है, ये स्टोरी एग्जैक्ट आपको कहीं और नहीं मिलने वाली इंटरनेट पर। और ये हो गई हमारी स्टोरी खत्म। इसने बहुत बढ़िया स्टोरी लिख के दी, एंड में कंक्लूजन भी दिया, एक मॉरल भी दिया। अब फॉर एग्जांपल मेरा मन करता है यार ये मॉरल तो मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मेरे को स्टोरी का मॉरल थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, मैं इसको सिंपली बोल लेता हूँ इन कॉन्टिन्यूएशन कि यार मेरे को दूसरा मॉरल ऑफ द स्टोरी दे। तो ये मॉरल थोड़ा सा चेंज करके सिर्फ मॉरल को चेंज करेगा और बची हुई कहानी को सेम रखेगा। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा स्पेसिफिक भी हो सकते हैं यार कि जो मॉरल है वो इस तरह हो कि हम पेशेंस को एम्फोसाइज कर सकते हैं, तो अगर मैं वो लिखता तो स्टोरी को इस तरह बंद कर देता। और मेन ध्यान रखने वाली बात ये कि ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज चल रहे हैं। हमने पहले बात करी कि यार स्टोरी लिख के दो, उसने एक स्टोरी लिख के दे दी, फिर हमने एक फॉलोअप कर लिया कि यार स्टोरी को थोड़ा सा चेंज कर दो, इसका जो एंड वाला पार्ट है ना वो अच्छा नहीं लग रहा, उसको थोड़ा सा इस तरह ट्विस्ट कर दो, वो चीज़ इसने करके दे दी। आप ये देखोगे इसने स्टोरी लिख दी और जो प्रीवियस इसका मॉरल था, ये जो लास्ट पैराग्राफ था मॉरल ऑफ द स्टोरी का, इसने मॉरल चेंज कर दिया, है ना मैजिकल। अच्छा, एक दो चीज़ें हम और करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ यूनिक गिफ्ट आइडियाज चाहिए अपने गर्लफ्रेंड के लिए, और ये जो गिफ्ट आइडियाज देगा ना ये मल्टीपल सोर्सेज से देगा, तो बैठ के अब आपको सर्च करने की जरूरत नहीं यार क्या चीज़ बेहतर हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। और ये हो गए हमारे 5 यूनिक गिफ्ट आइडियाज तैयार। और आप समझो जैसे एक इंसान देता है ना कि यार ये गिफ्ट आइडियाज हैं, और उसके बाद एक कंक्लूजन भी दिया हुआ है, ऑल ऑफ दीज गिफ्ट आइडियाज कैन बी फाउंड विद इन अ बजट, यू मे हैव टू शॉप अराउंड और फाइंड डील्स ऑन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द गिफ्ट कम्स फ्रॉम द हार्ट एंड शोज दैट यू केयर। तो मतलब उसने आइडियाज भी दिया, उसके साथ साथ एक इतना कंक्लूसिव मैसेज भी दिया जो आपको एडवाइस। अच्छा यार मुझे लगता है कि मेरे को एक आइडिया और चाहिए, ठीक है अच्छा है, लेकिन मेरे को एक आइडिया और मिल जाए तो और बढ़िया हो जाएगा, तो मैं वो भी मांग सकता हूँ। और इसने एक और आइडिया देना स्टार्ट कर दिया, अ कस्टम मेड फोटो एल्बम, है ना मैजिकल। अब फॉर एग्जाम्पल यार ये वाला मेरे को रिस्पॉन्स पसंद नहीं आया, इसका कुछ और मिल जाए तो और बेटर था, तो ये रीजनरेट रिस्पॉन्स कर दिया मैंने। हालांकि जो ये रिस्पॉन्स इसने दिया है काफ़ी सिमिलर टू द प्रीवियस वन है, लेकिन इसने थोड़े से चेंजेस कर दिए जितना भी इसके पास डेटा अवेलेबल है, जितना ये रिसर्च करके निकाल सकता है। लेकिन जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो आप रीजनरेट रिस्पॉन्स करते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मल्टीपल आपको रिस्पॉन्सेज देता रहेगा जब तक कि इसके पास रिस्पॉन्स नहीं बचेंगे। अब हम देख सकते हैं ये रेपिटेशन मोड में चला गया, तो ये सेम रिस्पॉन्स दे रहा है, हो सकता है इसके पास कोई और इसका बेहतर सर्च रिजल्ट ना हो या क्वेश्चन का आंसर ना हो, क्योंकि सर्च इंजन तो है ही नहीं। अच्छा, अब हमने जो जो रिस्पॉन्सेज देखे थे, तीनों रिस्पॉन्सेज आ गए, ये हम देख भी सकते हैं कि यार क्या क्या इसने तीनों रिस्पॉन्सेज दिए थे, और इसमें जो हमें अच्छा लगे वो हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये आप देखोगे एक थम्स अप का एक थम्स डाउन का सिंबल है, तो आप बोल भी बता भी सकते हो क्योंकि एक बीटा वर्जन है, इससे सारा रिस्पॉन्स आप समझो बैकएंड की टीम के पास जाता है और इसी के बेस पे अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप थम्स अप भी कर सकते हो और बता सकते हो कि यार क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, ऑन दी अदर हैंड आप थम्स डाउन भी कर सकते हो और बता सकते हो कि यार ये चीज़ मेरे लिए यूजफुल नहीं थी और क्यों नहीं थी, माइट बी हार्मफुल और अनसेफ, इजेंट ट्रू, इजेंट हेल्पफुल, या कोई स्पेसिफिक आपका रीजन है तो वो भी आप टाइप कर सकते हो। खैर अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और जब आपको लगे कि यार ये बात खत्म हो गई अब कोई नई चैट करनी है, तो आप न्यू चैट पे जाओ और नई बात शुरू हो जाएगी। आजकल एक कॉमन क्वेश्चन जो है ना सबके सामने आ गया है कि जो इलॉन मस्क है, जो कि वन ऑफ द फाउंडर्स थे ओपन ही आई की, जिस कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है, वो आजकल इसको इतना क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। अच्छा, इस स्टोरी को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। जो ओपन एआई एज अ कंपनी है वो फॉर्म हुई थी इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि यार ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालने हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जो कि ओवरऑल ह्यूमैनिटी को हेल्प करें। तो उसमें क्या है, काफ़ी सारे डोनर्स आए और उन्होंने ओपन एआई को फॉर्म करा, उसमें वन ऑफ द डोनर्स इलॉन मस्क भी थे। अब सब कुछ बढ़िया चलता रहता है, 2018 तक बोर्ड में भी रहते हैं इलॉन मस्क और सब कुछ बढ़िया चलता रहता है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट $1 बिलियन की एक
कैपिटल फंडिंग करता है ओपन एआई को एज अ कंपनी, क्योंकि कंपनी को चलने के लिए पैसा चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये कंपनी जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो एक कैप्ड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। कैप प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि जो उसके इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको 100x तक का रिटर्न दिया जाएगा। तो अब आप समझो जो $1 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है ओपन एआई को, अब ओपन एआई को कमा के देना है माइक्रोसॉफ्ट को कम से कम $100 बिलियन। तो यानी कैप का तो कोई खास मतलब ही नहीं है, एक तरीके से इसका मोटिव प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चला गया है। अब इलॉन मस्क का कहना यह है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यूज़ करी जाएगी तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है ह्यूमैनिटी के लिए। जो ओपन एआई है वो बना हुआ भी माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना अज्योर करके, उसी के ऊपर बना हुआ है। तो कुछ सोर्सेज ऐसा भी कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को जो चैट जीपीटी के पीछे लगी हुई है उस टेक्नोलॉजी को सेल करना स्टार्ट कर दिया है अपने एंटरप्राइज कस्टमर्स को। तो हो सकता है कि इलॉन मस्क इसी वजह से डिस्टर्ब हो, क्योंकि एक फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो कि स्टार्ट हुई थी एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके मैसिव रिपरकशन हो सकते हैं क्योंकि एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने इनडायरेक्टली इसको टेक ओवर ही कर लिया है। तो अब इसकी डायरेक्शन भी माइक्रोसॉफ्ट ही डिसाइड करेगा। रिसेंट डेज में इलॉन मस्क ने जो ट्विटर के सीईओ बने हैं ना, उन्होंने अपना ट्विटर का जो डेटा है वो चैट जीपीटी के साथ शेयर करना बैन कर दिया है। तो चैट जीपीटी ट्विटर का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, और पब्लिकली भी आप देखेंगे काफ़ी जगह इलॉन मस्क इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब एक सेकंड क्वेश्चन जो कि आजकल बहुत लोग पूछ रहे हैं कि यार विल दिस बी दी एंड ऑफ गूगल, क्योंकि यार गूगल पे हम जाके सर्च करते थे, अब तो हम चैट जीपीटी से कुछ भी पूछेंगे और वो जवाब दे देगा। भाई देखो, कल को कौन सी कंपनी सर्वाइव करती है और कौन सी नहीं सर्वाइव करती, 100% तो कोई नहीं बता सकता, सिर्फ हम प्रिज्यूम कर सकते हैं करंट सर्कमस्टांसिस के बेस पे। अब आप समझो चैट जीपीटी के मेरिट्स हैं, नो डाउट है, आपको एक सिंगल सर्च करना है, वो बैकएंड में बहुत सारे मल्टीपल सर्चेस करता है और ह्यूमन लाइक बिहेवियर की तरह आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो फायदे हैं इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसको गूगल से कंपेयर करें तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यार चैट जीपीटी जो अपना कंटेंट उठाता है या अपना जो डेटा उठाता है, जो सर्चेस करता है, वो करता कहाँ पे है। मोर देन 90% तो वो भी गूगल पे करता है, तो बेस तो कहीं ना कहीं गूगल के ऊपर ही है। और सेकंड क्या है, गूगल, फेसबुक या और जो लीडिंग कंपनीज हैं, ये भी एआई चैटबॉट पे काम कर रही हैं, बहुत पहले से कर रही हैं। बहुत गूगल तो शायद ओपन एआई से भी पहले से काम कर रही है, लेकिन उन्होंने लॉन्च अभी नहीं करा। उसका रीज़न क्या है कि ओपन एआई एक स्टार्टअप है, पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो भाई कोई कंपनी अगर स्टार्टअप होती है तो वो रिस्क ज़्यादा ले सकती है। उसने कहा कि यार मैंने कोई चीज़ लॉन्च करी, वो नहीं चली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लोग ज़्यादा क्या है ट्विटर पर ट्रोल कर लेंगे उसको, या हो सकता है दो चार गालियां दे लें, लेकिन किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पहले ये बीटा वर्जन में अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहता तो कंपनी आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अब गूगल जैसी वेल स्टैब्लिश कंपनी जो एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर लोग रिलाय करते हैं अपने बिजनेस डिसीजन लेने के लिए, अपने पर्सनल डिसीजन लेने के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं अपने बिजनेसेस में, तो आप समझो एक जो गुडविल बनी हुई है गूगल की कि यार हमें रिलायबल इन्फॉर्मेशन क्विकली मिल जाती है, वो अगर एक ऐसा प्रोडक्ट ले आते हैं जो मैल फंक्शन कर जाए, जो कि कोई नुकसान कर जाए, तो उनकी एग्जिस्टिंग रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी। तो इतनी बड़ी कंपनी जब इतना बड़ा कोई चीज़ नहीं लाती है तो बहुत सारे इंटरनल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, इंटरनल बीटा वर्जन्स ट्राई किए जाते हैं, और उसके बाद फिर पब्लिक के सामने लाए जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये थोड़ा बहुत चलता है तो गूगल, फेसबुक और बहुत बड़ी कंपनी भी मेरे हिसाब से तैयार हैं। और चैट जीपीटी इंडीड एक रेवोल्यूशन रहेगा, लेकिन गूगल को हटाने का दम शायद नहीं है। अगर आपको मेरी तरह चैट जीपीटी दमदार लगा तो अभी कमेंट्स बॉक्स में चैट जीपीटी रॉक्स लिखें। इससे मेरे को पता चलेगा कि आपने ये वीडियो एंड तक देखी और आपको भी चैट जीपीटी बहुत तगड़ा लगता है जैसे मेरे को लगता है।